भारत देश के सबसे पुराने और सांस्कृतिक पांच शहर जिनका इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है, उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन शहर, उज्जैन का प्रारंभिक इतिहास पौराणिक परंपरा में डूबा हुआ है। उज्जैन कभी मध्य भारत के प्राथमिक शहरों में से एक था और 600 BC के आसपास सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। वाराणसी, बनारस या काशी दुनिया का सबसे पवित्र शहर है, जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसमें 84 घाट हैं, जिनका उपयोग स्नान और दाह संस्कार के लिए किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है, जो कि भारतीय वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थल भी रहा है। कांस्य युग के पतन के बाद से वाराणसी सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से घिरा हुआ है। मदुरै ऐसा कहा जाता है कि मधु शहद का मीठा अमृत यहाँ भगवान शिव के उलझे बालों से गिरा था, इसलिए इसका नाम मदुरै पड़ा। भारत में यूनानी राजदूत मैक्सथनीज द्वारा लिखे गए ग्रंथों में आपको इस स्थान का उल्लेख 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में मिलेगा। इब्न बतूता और मार्को पोलो ने भी अपने यात्रा वृतांतों में शहर की अपार समृद्धि का उल्लेख किया है। साथ ही कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि रोम और मदुरै के बीच व्यापार 3rd शताब्दी से अस्तित्व में आया था। मदुरै भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है और तमिलनाडु राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पटना 3 शताब्दियों के इतिहास के साथ पटना या पाटलिपुत्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए स्थानों में से एक है। मौर्यों के शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बिंदु पटना, नालंदा और विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालयों के साथ होने की वजह से प्राचीन काल में ज्ञान और कला का स्रोत था। कन्नौज एक बार 3 शक्तिशाली राजवंशों के लिए केंद्र बिंदु कन्नौज में बहुत प्राचीनता जुड़ी हुई है। शहर का नाम कन्याकुब्ज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है युवती का गर्भ। भारत की इत्र राजधानी के रूप में जाना जाने वाला कन्नौज पारंपरिक रूप से परफ्यूम और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है।